Good morning all of you. Hope you all are fine at home. Today in maths we will start our new topic, that is data handling. In this video we will discuss introduction part of this chapter. Now meaning of data handling. Data handling hota kya hai? Data means information. ऐसी information जिसे हम numeric way में लिख सके, that is data. And handling means to record, analyze and organize the data. जो data हमें given है उसे record करना, analyze करना और organize करना, ये सब चीज़ें आती हैं बच्चे data handling में. One by one we will discuss these concept. First one is recording data. रिकॉर्डिंग डाटा मीन्स डाटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं डाटा किस किस टाइप का हो सकता है. अगर आप एक क्लास की अटेंडेंस लेते हैं वो भी एक डाटा है, कौन सा बच्चा एब्सेंट है, कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, ओके ये भी क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा. लेट अस टेक एग्जांपल. सपोज मैं कोई डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने सभी स्टूडेंट से पूछा वन बाय वन उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में. मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, सपोज कीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स हैं राम, ही लाइक्स एप्पल, ओके देन रिया, शी लाइक मैंगो, ओके एंड नेक्स्ट इज सैम, सैम लाइक एप्पल, वो भी एप्पल लाइक करता है. एंड नेक्स्ट इज राहुल, राहुल लाइक्स ग्रेप्स, ओके. देखिए मैंने यहाँ डाटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद मैंने एक रिकॉर्ड किया कि जैसे जो राम है ही लाइक्स एप्पल, रिया शी लाइक्स मैंगो, सैम इज ऑल्सो सैम सॉरी सैम ऑल्सो लाइक एप्पल एंड राहुल ग्रेप्स. दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा. डाटा को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके. आर नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा. ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब है डाटा को ऑर्गेनाइज करना. डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम इसमें देखेंगे. डाटा को ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास रहे दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज हम सिंपली राइट कर रहे हैं. सपोज करो मेरे पास एक डाटा है अबाउट दी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स गेम के बारे में मुझे एक डाटा है, क्रिकेट. क्रिकेट फोर बच्चे लाइक करते हैं, फोर स्टूडेंट्स लाइक करते हैं क्रिकेट. एंड नेक्स्ट इज फुटबॉल, फुटबॉल जो है वो फाइव स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. एंड नेक्स्ट इज हॉकी, हॉकी जो है वो ओनली थ्री स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. तो ये क्या है, डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आपके पास पूरी लिस्ट होगी, इस बच्चे को ये स्पोर्ट्स पसंद है, इस बच्चे को ये स्पोर्ट्स पसंद है. तो ये क्या हुआ राजे, डाटा को ऑर्गेनाइज करना. ये तो था डाटा को सिंपली वे में ऑर्गेनाइज करना. नेक्स्ट आती है हमारी टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए मुझे कोई डाटा मिला है जिसमें स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट्स के बारे में ही मेंशन है. तो कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है, कितने बच्चों को ये पसंद है ना. सो हमें डाटा इस तरह से मिला है कि एप्पल, मैंगो, फिर एप्पल, देन ग्रेप्स, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, मैंगो, देन एप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, देन ऑल्सो एप्पल. हमने रैंडमली कोई डाटा कलेक्ट किया जिसमें स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट्स के बारे में मेंशन था, और जो हमें डाटा गिवन था वो ऐसे ही जैसे जिस वे में लिखा हुआ है ना ऐसे ही हमें गिवन था. अब हम इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हम फर्स्टली थ्री कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम होगा राजे फ्रूट्स का, ओके. सेकंड कॉलम होगा हमारा टैली मार्क्स, जो थर्ड कॉलम होगा हमारा वो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हम इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं. क्लियर. अब फ्रूट्स कौन कौन से थे राजे, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ओके हम यहाँ राइट करेंगे.
एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, अब देखिए एप्पल कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, मतलब जो हमें डाटा गिवन है उसमें जो 6 स्टूडेंट्स क्या हैं वो एप्पल को लाइक करते हैं। हमने क्या किया, 3 कॉलम्स बनाए। फर्स्ट कॉलम में हमने फ्रूट्स मेंशन किए, सेकंड में हमने टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको, एंड थर्ड कॉलम क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टैली मार्क्स हम कैसे राइट करते हैं बच्चे, सपोज कीजिए आपने टैली मार्क्स में 1 राइट करना है तो आप इसे कैसे मेंशन करोगे, ओनली 1 स्ट्रेट लाइन। अगर आपने 2 मेंशन करना है तो आप इसको कैसे राइट करोगे, 2 स्ट्रेट लाइंस। अगर 3 करना है तो आप इसे 3 स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। अगर 4 करना है तो हम लाइक दिस हम क्या करेंगे, 4 स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। अगर 5 करना है तो राजे 1, 2, 3, 4, जो 5 लाइन आएगी वो स्लैंट आएगी बच्चे, क्लियर। ऐसे ही 6 का हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एक स्लेंटिंग लाइन एंड 1, 6 लाइक दिस। आपने क्या करना है, जो टैली मार्क्स हैं वो हमने यहाँ पर शो करने हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एप्पल कितने बच्चों को पसंद था राजे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 मीन्स जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट करेंगे ना थर्ड कॉलम वही हमने टैली मार्क्स में भी शो करने हैं। अब 7 कैसे शो होगा राजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, क्लियर। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 1, 2, 3 ओनली 3, वी विल राइट हेयर 3 एंड मेक टैली मार्क्स ऑफ 3, 1, 2 and 3, ओके। नाउ ग्रेप्स, 1, 2, 3 ये भी 3 है तो हम यहाँ राइट करेंगे 3 एंड वी विल मेक टैली मार्क्स ऑफ 3, ओके। ये था ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, जब हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी डाटा गिवन है और आपको बोला जाए कि आपको इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे राजे, फर्स्ट 3 कॉलम्स बनाएंगे, सेकेंड फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपकी चॉइस का होगा, जैसे यहाँ फ्रूट्स था वहाँ कुछ भी हो सकता है, और सेकेंड वन टैली मार्क्स का होगा, थर्ड क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, क्लियर। सपोज करो अगर कोई डाटा होता वो 9 से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते उसमें 9 होते तो हम उसे टैली मार्क्स कैसे शो करते राजे, 1, 2, 3, 4 and 5th की जो लाइन है वो स्लैंट, 5, 6, 7, 8 and 9 लाइक दिस, क्लियर। बस जो 5 नंबर की होगी ना वो जो लाइन आएगी वो स्लैंट आएगी, क्लियर। ये हम टैली मार्क्स हम ऐसे राइट करते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है राजे, पिक्टोग्राफ भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, पर इसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, हम पिक्चर्स की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमें डाटा गिवन होता है, पहले तो हमने टेबुलर फॉर्म में किया उन्हें, अब हम पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स की फॉर्म में क्या होता है डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, ओके। लेट अस टेक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है और हम उनसे पूछ रहे हैं कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ और मैंने स्टूडेंट्स का ग्रुप है, मैंने उनसे क्या पूछा कि आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है और हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे विद इन पिक्टोग्राफ, हम उसे पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो चॉइस है मतलब जो कलर्स हैं वो क्या है, रेड, रेड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 4। ब्लू, ब्लू कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं राजे, 3। ब्लैक, ब्लैक कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 5। इसी तरह आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे, जो हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे उसमें हम एक पिक्चर की हेल्प लेंगे। सपोज कीजिए मैंने एक ऐसा सिंबल बनाया है और मैंने बताया कि ये जो 1 सिंबल है ना 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और अपने कोई जो डाटा गिवन था हमने क्या करना है, इसका पिक्टोग्राफ शो करना है। जैसे ये डाटा है बट हमने इसका एज इट इज़ पिक्टोग्राफ में शो करना। अब ये 4 है, मैंने सिंबल क्या यूज़ किया, ये आप कोई भी स्माइली भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए रेड 4 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं तो मैं ये सिंबल है ये इसको 4 टाइम्स क्या कर दूंगी राजे, रिपीट कर दूंगी, 3 and 4। अब देखिए जो ब्लू कलर है वो 3 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं तो मैं यही वाला सिंबल 3 टाइम रिपीट करूंगी, 1, 2 and 3, ओके। अब जो
कलर ब्लैक है वो 5 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो मैं इसी सिंबल को 5 टाइम्स रिपीट करूंगी। 1, 2, 3, 4 and 5। सपोज कीजिए आपको 100 स्टूडेंट का डाटा गिवन होता या 1000 स्टूडेंट का डाटा गिवन होता, ये तो हमें सिर्फ स्मॉल डाटा गिवन था। अगर सपोज करो आपको 100 स्टूडेंट का डाटा गिवन होता तो आप इसके जैसे 40 होता, यहाँ पर रेड में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता वो 40 होता, तो आप ये सिंबल्स 40 नहीं बनाते, तो आप क्या करते, आप इसी सिंबल को मेंशन कर देते कि वन सिंबल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर वो क्या हो जाता, 40 हो जाता, ये 40 हो जाता, ये 30 हो जाता और ये क्या हो जाता, 50। क्लियर? अगर आपको 1000 स्टूडेंट का डाटा गिवन होता तो आप क्या कर देते, वन सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। फिर रेड की जगह क्या हो जाता राजी, 400 हो जाता, यहाँ 300 हो जाता, फिर यहाँ 5। एक्सपोज करो अगर ये 450 होता तो हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते। मैंने आपको बताया था कि वन सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे 400 चाहिए तो मैंने ये 4 सिंबल ड्रॉ कर दिए, 3 चाहिए तो मैंने ये 3 सिंबल ड्रॉ कर दिए। अब मुझे 450 मतलब 4 सिंबल तो पूरे कंप्लीट चाहिए, 1, 2, 3, 4। अब जो 5 चाहिए ना, मीन्स उसका हाफ चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ सिंबल ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट सिंबल ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 450 चाहिए, 500 नहीं चाहिए कंप्लीट। ओके, अगर हमें 500 चाहिए होता तो हम जो 5 ये सिंबल हैं ये कंप्लीट ड्रॉ करते। क्लियर? इस तरह से आप पिक्टोग्राफ बना भी सकते हैं और इसे रीड भी कर सकते हैं। हम रीड इसे कैसे कर सकते हैं, सपोज करो मैंने आपको बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा कलर लाइक करते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा कलर कौन सा लाइक हो रहा है, ब्लैक। अगर मैं बोलूँ जो मिनिमम स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा कलर है जो मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, मिनिमम मीन सबसे कम, तो वो क्या हो जाएगा राजे, 3। इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बना भी सकते हैं और इसे रीड भी कर सकते हैं। नाउ आर लास्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। अब हम बात करते हैं बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ भी बच्चे डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसमें हम डाटा को बार्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जैसे सब्जेक्ट जो टेस्ट होते हैं ना हमारे, सपोज कीजिए आपके पास किसी स्टूडेंट के मार्क्स लिस्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और जो उसके मार्क्स हैं वो हैं रजे 70, 30 और मैथ्स में हैं 40। हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, तो हम बार ग्राफ की हेल्प से इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक स्लेंट लाइन लगाएंगे एंड एक स्लिपिंग लाइन। क्लियर? ये हमारा ओ एक्सिस होता है, ये हमारा होता है बच्चे जो स्टैंड में होता है, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ओके, और जो ये नीचे होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। जो हमारी वाई एक्सिस है इस पे हम क्या राइट करते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स आएंगे इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों या नंबर ऑफ मार्क्स हों, वो हम वाई एक्सिस पे राइट करते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ राइट करते हैं एक्स एक्सिस पर। क्लियर? अब देखिए फर्स्टली हम बनाएंगे यहाँ पर 10। हम अगर 10-10 का गैप ले लें तो ईजिली बन जाएगा ये 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए राजी तो मेरा 50 तक आया, बट जो लास्ट में मार्क्स है वो 70 है ना, तो हम इसे लास्ट 70 और 80 तक हम इसे ले सकते हैं, ये हो जाएगा 60 एंड ये हो जाएगा राजी हमारा 70। आपने जो बार ग्राफ है नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में कितने मार्क्स थे राजी उसके, 70 मार्क्स थे, तो हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप स्केल की हेल्प से 70 तक एक लाइन ड्रॉ करोगे और ऐसे एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। इसके ऊपर हम राइट करेंगे कि ये 70 मार्क्स का है और कौन से सब्जेक्ट का है, ये है रजे हिंदी का, तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे हिंदी। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में कितने मार्क्स है उसके, 30, तो 30 हमारा यहाँ पे है रजे, हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे इसको, कौन सा सब्जेक्ट है ये, इंग्लिश, और कितने मार्क्स हैं 30।
ओके नेक्स्ट देखिए मैथ्स, मैथ्स में उसके कितने मार्क्स थे 40, तो हम इसे 40 तक ड्रॉ कर देंगे. ओके ये कितने हैं उसके मैथ्स, ये क्या थे सब्जेक्ट और ये क्या थे हमारे मार्क्स. ठीक है, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पर हमने मार्क्स राइट किए और एक्सिस पर हमने क्या राइट किए सब्जेक्ट. सपोज करो आपसे पूछा जाए कि आपको बार ग्राफ देखकर आपको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में उसके हाईएस्ट मार्क्स थे, तो हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा और बार ग्राफ सबसे आप कहाँ पर है राजे 70 पर है और हिंदी में है तो मीन्स उसके हिंदी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे. क्लियर, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के जो स्टूडेंट्स था जिसके हमने रिकॉर्ड किया है डाटा, स्टूडेंट के मार्क्स लोएस्ट सबसे कम किसमें थे, सबसे कम किसमें थे रजे इंग्लिश में उसके 30 मार्क्स थे. ठीक है, आप इस बार ग्राफ के हेल्प से ये भी पता कर सकते हो कि कौन से स्टूडेंट्स सॉरी स्टूडेंट के कौन किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे और किस सब्जेक्ट में लोएस्ट मार्क्स थे. एक चीज़ और बच्चे सपोज करो, ये तो हमने 10-10 का डिफरेंस ले लिया, अगर यहाँ बीच में कुछ 5 होता, मैं बोलती कि जो उसके मैथ्स में ना 45 मार्क्स हैं, तो हम क्या करते हैं 45 किसके बीच में लाई करेगा राजे, मीन्स 40 और 45 के बीच में लाई करेगा, तो जो हम ये बार ग्राफ बनाएंगे ना ये 40 to 45 के ऐसे बीच में बनाएंगे राजे. क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा 45. आप लोग ऐसे इसे ड्रॉ करोगे. ओके सो दिस वॉज आर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग. इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क टू मी.